जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देश की, पूरे संसार की सभी महिलाओं को बहुत बहुत सम्मान। और आज के इस ऑनलाइन चर्चा कार्यक्रम में आज का जो विषय है, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति एवं सामाजिक समस्याएं। और इन विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है एक बहुत ही जानी मानी हस्ती, आदरणीय अमाना बेगम अंसारी जी और प्रकृति छवि जी, जो आजकल उभरती हुई जो है रिसर्च स्कॉलर हैं और महिला कल्याण समिति की संयोजक आदरणीय आशा प्रजापति जी, जो करनाल हरियाणा से है। छवि जी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से है और अमाना बेगम अंसारी दिल्ली से है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ आज इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कि भारत में जो आप देख रहे हैं, भारत की जो समाज व्यवस्था है उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है, आज क्या स्थिति है वर्तमान संदर्भ को देते हुए, क्योंकि ये देखा गया कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिलाओं को वैसे तो सम्मान प्रत्येक दिन होना चाहिए और हम लोग करते भी हैं, हमारी ये परंपरा भी, ये महिलाओं को सम्मान देते भी हैं हम लोग, लेकिन आज खासकर क्योंकि एक दिन महिलाओं के लिए लगा है तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो आज मैं सभी, पूरे संसार की सभी महिलाओं को भी सम्मान व्यक्त करते हुए मैं आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित, सबसे पहले प्रकृति छवि को लेता हूँ इस विषय का प्रकाश डाले, भारत में जो महिलाओं की स्थिति है और सामाजिक समस्या है। जी धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आपको और इस मंच को धन्यवाद देना चाहती हूँ, यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आज का वेंस डे है, ये हमेशा ही जब भी हम किसी डे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि उस डे की जरूरत क्यों पड़ी। हम वुमेन्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ये अपने आप को ये कहने में सक्षम है कि वुमेन्स की स्थिति कहीं ना कहीं कमजोर है, क्योंकि वुमेन की स्थिति कमजोर है इसलिए हमें वुमेन डे सेलिब्रेट करना पड़ रहा है। तो ये ठीक है, कम से कम हमारे पास एक किस तरह का डे होने से हमें अवेयर करने का एक पर्टिकुलर मौका तो मिल ही जाता है, तो ये इसकी अच्छाई भी है। बाकी इसमें ये बात भी निहित है कि महिलाओं की स्थिति सामान्यतः वर्ल्ड वाइड कमजोर है। और आज ही मैं यूएन की वेबसाइट पे देख रही थी तो यूएन की वेबसाइट पे कुछ चौंकाने वाले आंकड़े थे कि पार्लियामेंट्री सीट्स, जो वर्ल्ड वाइड पार्लियामेंट्री सीट्स हैं, डिसीजन मेकिंग में महिलाओं की स्थिति कितनी कमजोर है वर्ल्ड और पॉलिटिकल स्पेशली पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिकल में पॉलिटिक्स में वो आमतौर पर वर्ल्ड वाइड बहुत ही कम एक्टिव हैं, तो क्योंकि वो कोई भी डिसीजन नहीं ले रही हैं और पॉलिटिक्स में भी एक्टिव नहीं है, तो इस वजह से ये एक बड़ा कारण बनता है कि महिलाएं आज पढ़ी लिखी एजुकेटेड होने के बाद भी उस तरह से हमें उनके लिए वुमेन्स डे सेलिब्रेट करना पड़ता है। तो केवल 24%, ये वर्ल्ड वाइड बात कर रही हूँ, अगर हम भारत के कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो भारत में केवल और केवल 10-11% यानी कि केवल 78 महिलाएं लोकसभा में एज अ पार्लियामेंट मतलब इलेक्टेड हुई हैं, जबकि हमारे पास कुछ 500 सीटें हैं। तो ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। और वर्ल्ड वाइड 24% ही महिलाएं पार्लियामेंट सीट्स में आई हैं, मतलब पॉलिटिक्स से अगर हम उनके देख लें, पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो उनका, और लीडरशिप में वो काफी पीछे हैं डिसीजन मेकिंग में, यहाँ तक कि जो उनके फैमिली यानी कि घर के जो डिसीजन ले रही हैं उसमें भी उनकी स्थिति काफी कमजोर है। ये हम भारत के कंटेक्स्ट में बहुत ज्यादा कह सकते हैं। आमतौर पे उन्हें माना जाता है कि वो डिसीजन लेने की क्षमता ही नहीं रखती हैं। तो ये अपने आप में बहुत सारी समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं हम, इसीलिए हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं वुमेन्स डे। और अगर हम बात करें तो आज हमारे पास इतनी सारी योजनाएं गर्ल्स को लेकर हैं, जिसमें गर्ल्स चाइल्ड को हमें आगे बढ़ाना है, सुकन्या समृद्धि योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, या हमारा जो कैंपेन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके अंतर्गत ही कम से कम 20-25 योजनाएं हमारे पास हैं। तो इतनी सारी योजना हमें क्यों महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं की स्थिति बेहद कमजोर है। इसके अलावा अगर हम 2011 की सेंसस की बात करते हैं तो जो सेक्स रेशियो है वो भी काफी कम है, और स्पेशली जो गर्ल्स चाइल्ड यानी कि अगर हम जो 0 से 5 साल के बने, ये सेक्स रेशियो और भी कम होता दिखाई देता है। हमारे पास 1000 लोगों में केवल 814, मतलब 1000 लड़कियों के ऊपर केवल 814 बच्चियां हैं, ये भविष्य के लिए कुछ अच्छे संकेत तो नहीं है।
सुन, अभी कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेनिंग से कुछ प्रभाव इस पे पड़ा है, कितना प्रभाव पड़ा है ये तो 2021 की सेंसस के बाद ही क्लियर होगा, लेकिन इस बार जो हमारी जनगणना 2011 की है वो तो ऐसा कुछ नहीं कहती। और अभी देख रही योजनाएं और इतने सारे जो जो भी सब है, इससे ये तो पता चलता है कि महिलाओं की स्थिति बेहद कमजोर है, लेकिन ये भी पता चलता है कि महिलाओं की स्थिति को आगे सही करने के लिए काफी मतलब जनता सरकार लोग प्रयासरत हैं, ये एक अच्छी बात भी है। तो हर चीज में कुछ अच्छा कुछ बुरा होता है, तो यहाँ इस वर्ल्ड इंटरनेशनल वुमेन्स डे की अच्छी बात ये है कि हम आज अवेयर कर रहे हैं, आज महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, हमें एक मंच दे रहा है, तो ये इसकी अच्छी बात है। और क्योंकि महिलाओं की स्थिति खराब है इसलिए हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगर उनकी स्थिति अच्छी होती तो ये सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जी 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 छवि जी, आपकी आवाज थोड़ा कम है। तो मुझे लगता है किसी भी चीज को सुधारने का सबसे पहला जो मंच होता है वो आपकी फैमिली होता है, तो फैमिली से हमें शुरुआत करनी चाहिए, अपने बच्चों को हमें। जी 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 अब मैं जो है ना, क्योंकि आवाज आपकी थोड़ा सा कट के आ रही है, मैं थोड़ा सा जो है ये जानना चाहता हूँ, मैं अमाना बेगम जी के पास चलता हूँ। अमाना बेगम जी, जैसे अभी चर्चा किया है, अगर आज हम वुमेन्स डे मना रहे हैं तो क्या हमारी स्थिति अच्छी नहीं है जी? इस पर आपका क्या कहना है जो आज इस अंतर्राष्ट्रीय जी बेगम जी, जी सबसे पहले तो शुक्रिया ये मंच देने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, देने का अवसर देने के लिए। और इस मंच से मैं सारी महिलाओं को पहले हैप्पी वीमेन डे बोलना चाहूंगी। हम यहाँ तक आए हैं तो हमें उम्मीद है हम आगे तक भी जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब हमें ये स्पेशल वीमेन डे मनाने की जरूरत भी नहीं रहेगी। सो अभी आपका जो क्वेश्चन है कि वीमेन डे क्यों मना रहे हैं महिलाओं की स्थिति के बारे में, हाँ अगर हम महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करें वर्ल्ड वाइड, तो है एक डिस्क्रिमिनेशन है, एक अंतर है, क्योंकि ज्यादातर हमारे जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाके देखेंगे तो हमारा जो पास्ट है वो विमेन के लिए उतना फेयर रहा नहीं है, ज्यादातर पैट्रियार्कल सोसाइटी रही है समाज के अंदर। पूरे दुनिया में मैट्रियार्कल सोसाइटी भी है बट उनकी जो उपस्थिति है वो कम है, वो उतनी ज्यादा रही नहीं है। लेकिन मैं ज्यादा इस बात पे बात करना चाहूंगी कि हिंदुस्तान में औरतों की क्या स्थिति है, क्योंकि वेस्ट में बहुत कुछ हो रहा है, बल्कि वेस्ट में तो एक लेवल वो आगे चले गए हैं जहां पे वो LGBTQ लेकर के आए हैं, जो कि इनफैक्ट महिलाओं के ही हक को मारने की बात होती है। जो सेल्फ आइडेंटिफाई वीमेन है वहां पे वो वीमेन स्पोर्ट्स में अब भाग लेंगी या प्ले करेंगी, जो मेरे हिसाब से काफी सही नहीं है, रीजनेबल नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब हम विमेन की फेमिनिज्म की बात करते हैं वेस्ट की, तो हम अपने हिंदुस्तान की औरतों के साथ बहुत अन्याय करते हैं, ठीक है, हम उन चीजों की बात करने लगते हैं जिनका हमारे से कोई सारोकार नहीं है। हमारा समाज बहुत अलग है, हम लोग अभी भी बहुत फैमिली पे बेस्ड हैं, हमारे यहाँ परिवार की बहुत वैल्यू है, शादी का जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी वैसे ही हमारी जिंदगी चलती है। तो मुझे लगता है कि अगर हमें अपने समाज की बात करनी है तो हमें फिलहाल वेस्ट की तरफ देखना बंद करना होगा, ठीक है उनके आइडियाज बहुत अच्छे हैं, पर पहले हमें अपने समाज के प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने होंगे, फिर हम उसके सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। फिर जब हम हिंदुस्तान में बात करते हैं तो मैं दो तीन लेवल पे प्रॉब्लम देखती हूँ। एक तो होता है जो हमारे लेजिस्लेटिव है, जो लॉ कानून बने हैं वो कितने फेयर हैं और या कितने प्रो विमेन है, क्योंकि समाज में उन्हीं के लिए कानून प्रोटेक्शन ज्यादा जरूरत पड़ती है जो हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज रहे हैं या जिनको जरूरत है मदद की। वहां पे भी हमारा समाज अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, जैसे हिंदू औरतें, मुस्लिम औरतें, पारसी औरतें, क्रिश्चियन औरतें। हिंदू औरतों का जो बिल कोड है वो तो चलो बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा बोलूंगी उसको बहुत हद तक बदल दिया गया, बट जब आप क्रिश्चियन औरतों के देखते हैं उनको भी बदला गया है, बट अभी भी वहां पे फॉल्ट्स हैं, अभी भी ऐसी चीजें हैं जो औरतों के फेवर में नहीं है,
मुस्लिम लोग की तो आप बात ही मत कीजिए, वो तो पता नहीं किस जमाने में जी रहे हैं जहाँ पे बहु विवाह भी आज अलाउ है। ठीक है, तो पहला तो लीगल लेवल पे हो गया, ठीक है। दूसरा आता है हमारे सामाजिक लेवल पे हमारी कितनी भागीदारी है। मुझे लगता है औरतें उसमें बहुत पीछे हैं अभी। उसका रीजन ये है कि हम जो पैट्रियार्की वाली लाइफ है वो हम अपनी आंख खोलते ही जीना स्टार्ट करते हैं। जब हम घर में उठते हैं, मैं हूं, मेरा भाई है, तो हम औरतों को एक जेंडर रोल में देखते हैं, आदमियों को एक जेंडर रोल में देखते हैं, जहां महत्वपूर्ण डिसीजन जो है वो हमेशा आदमी ले रहा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसा हमेशा ही होता है, बट ज्यादातर ऐसा हमने देखा है। जहाँ फिनेंस के जो डिसीजन होते हैं, फिनेंस कैसे हैंडल करना है, अगर औरत कमाती भी है तब भी वो खुद से नहीं सीखना चाहती कि वो अपना फिनेंस कैसे हैंडल करे। वो अपने हस्बैंड को बोलती कि तुम ही इसको हैंडल कर लो, जहां पे करना है ये कर लो। हम ये नहीं देखते कि आदमी भी जाके औरतों के उस काम में उतना हाथ बटा रहा है, उसके बोझ को बांट रहा है। तो ये जो एक मानसिकता है वो हमारी शुरुआत से ही बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फिर उस मानसिकता में अब मैं बोलूंगी कि हमारा समाज चेंज हो गया है। और भारतीय समाज में ऐसा नहीं है कि हिस्टोरिकली हमेशा औरतों के खिलाफ बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, ये हिंदुस्तान का समाज है जहाँ पे देवियां भी रही हैं। मैं जब सारे धर्मों की तरफ देखती हूँ तो मुझे हिंदू रिलीजन ही दिखता है जहाँ पे औरतों को इतना सम्मान मिला है, जहाँ पे वो देवियां रही हैं, उनके तरह तरह के रूप रहे हैं, जो मुझे पर्सनली बहुत ही प्रभावित करता है कि हमारी जो संस्कृति है वो इतनी औरतों के अगेंस्ट रही नहीं है। ठीक है, लेकिन अब जो हम नए पटल में आ रहे हैं, यहाँ पे हमें औरतों की सहभागिता के बारे में सोचना होगा, लेकिन उसके सहभागिता को उसकी रियलिटीज, इस हिंदुस्तान की रियलिटीज के साथ जोड़ के देखना होगा। अभी भी हमारे यहाँ परिवार है, हमारे यहाँ माँ का एक रोल है, एक जेंडर रोल है, एक औरत माँ बनती है, तो वो माँ भी बन सके, उस भूमिका को भी अच्छे से निभा सके, लेकिन समाज में जो उसकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, जिसे वो जीना चाहती है, जो वो और भी करियर में करना चाहती है, उसमें भी उसको भागीदारी मिले। ये दोनों चीज में ऐसे बांट नहीं देना चाहिए औरतों को कि तुम्हें एक चीज चुनना होगा। तो समाज में एक ऐसी सिस्टम बनाना पड़ेगा जो औरतों के लिए आसानी पैदा करे। फिर आता है एक पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स है, अगर बहुत हिस्ट्री में जाया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान सामाजिक न्याय पे बना हुआ है, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तब ये भी बात हुई थी कि औरतों को भी रिजर्वेशन दे दिया जाता है, बट इस रिजर्वेशन के खिलाफ काफी बातें हुई थी। कुछ लोगों ने कहा कि हमारा समाज ही कोलैप्स हो जाएगा हिंदुस्तान में अगर ऐसा हुआ तो ये मैं तो उसको दुर्भाग्य बोलूंगी कि ऐसा क्यों सोचा गया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इसके बारे में बात करें, और सिर्फ रिजर्वेशन से कुछ नहीं होने वाला है। आप कितना रिजर्वेशन देंगे, कितना पुश करेंगे, एक औरत को इम्पावर बनाना, एक सोसाइटी की पैट्रियार्कल माइंडसेट को चेंज करना, वो सबसे जरूरी है। जब वहां पे काम होने लगेगा तो हमें ना तो पॉलिसीज की इतनी जरूरत पड़ेगी, ना लॉस की इतनी जरूरत पड़ेगी, और ना ऐसे नियमों की जरूरत पड़ेगी जो वुमेन को बहुत पुश करने के लिए जरूरी हो। औरत खुद ही समझने लगेगी कि हाँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, ये मेरा अधिकार है, वो जी अपने अधिकारों के लिए खड़े होने लगेगी। तो मैं तो जी इस जी तरह से बहुत देखती हूँ इस पर। जी, मैं आपको फिर लूंगा, मैं आशा बहन के पास चलता हूँ। आशा जी, जो है अभी अमाना बेगम जी कह रही थी कि जब ये सब चीज स्थिति अपने आप नॉर्मल हो जाएगी तो इस तरह के किसी लॉ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो है सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से महिलाओं का वैसे भी सम्मान रहा है, लेकिन हम जो देखते हैं कि आपने मुस्लिम महिलाओं की बात की है, उन्होंने कहा कि लॉ के बारे में बताया, वहां लॉ की तो बात ही नहीं है। अब हिंदुओं में भी जो है, क्योंकि आज हमने विषय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये विषय जो रखा है, इसी वजह से रखा है क्योंकि महिलाएं जो है उसकी क्या समस्या है और कामकाजी पैलेस पर उनके पारिवारिक समस्या है, कई तरह का ड्यूल कैरेक्टर्स, उनको कई तरह के कैरेक्टर्स का रोल अदा करना पड़ता है। इसमें आपका क्या कहना आशा जी? नमस्ते सभी को इस मंच पर। सबसे पहले सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। और ये दिन इसलिए मनाया जाता है शायद हम सब महिलाओं को याद दिलाने के लिए कि हाँ, हम महिलाएं हैं और हमारे क्या अधिकार हैं और हमको उनके प्रति कितना सजग और सचेत रहना है। शायद ये इसलिए फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। मैं इसमें ये कहना चाहूंगी सर
कि महिलाओं की स्थिति को पहले से पहले भी थी, मतलब पहले भी ऐसी थी और अभी थोड़ा सा और चेंज हो गया, थोड़ी सी और अच्छी हो गई है। लेकिन जब रानी लक्ष्मी बाई का टाइम था तो अकेले ही रानी लक्ष्मी बाई अवेयर थी अपने अधिकारों के प्रति और लड़ी, लेकिन उनके साथ साथ जो दूसरी महिलाएं उस समाज में थी उनको इतनी अवेयरनेस नहीं थी, वो इतनी जागरूक नहीं थी। तो एक महिला के होने से ही सारा समाज नहीं हो पाता, वो सभी को एक साथ चलना होता है, एक साथ लेकर चलना होता है। महिला दिवस इसलिए सेलिब्रेट करते हैं लोग कि जो पिछड़े क्षेत्र है या जो अनअवेयर लोग है, अवेयरनेस नहीं है, वहां पर जाकर वो बात की जाए, उसको उन सबको आगे लाया जाए, तो इस क्षेत्र में काम किया जाए। ऐसी बात नहीं है कि महिलाएं काम नहीं कर रही, महिलाएं काम भी कर रही है, बाहर भी जा रही है, घर से अंदर भी अपनी पूरी भूमिकाएं निभा रही है, घर में हर तरीके से माँ के रूप में, बहन के रूप में। लेकिन जो हमारी मेंटेलिटी है, जो हमारे पुरुष समाज की जो सोच है, वो कहीं ना कहीं भेदभाव आ जाता है बेटे और बेटी में कि तुम ये मत करो तुम्हारे लिए ये ठीक है, तुम ये करो तुम्हारे लिए ये ठीक है। तो ये वाली चीज जब तक रहेगी तो इक्वलिटी नहीं आ पाएगी, समस्या जस की तस रहेंगी। वो धीरे धीरे हो रहा है काम इस पर, लेकिन और होना चाहिए और अच्छे से मोटिवेशन मिलना चाहिए लड़कियों को जो पढ़ रही हैं घर में। ज्यादा प्रॉब्लम ये ग्रामीण क्षेत्रों में है। हम चाहे पॉलिटिकल ले लें, चाहे हम सामाजिक स्तर पर ले लें, चाहे आर्थिक स्तर पर, डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा लो ही रहती है विमेंस। हमेशा देखा जाता है कि थोड़ा सा डिसीजन में वो थोड़ा सा लेट वहां से डिसीजन आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाता है कि सबसे पहले मेल वर्ग से आता है डिसीजन के नहीं इनका ठीक है। तो ये वाली चीज है जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, हमारी सोसाइटी ही करती है अपने ही लेवल पर, वो नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही चला आ रहा है तब से विमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम अवेयर कर रहे हैं हर सोसाइटी में, अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन ये वाली बात ध्यान में रखते हुए जो ग्रामीण अंचल है, हमारे शहरी क्षेत्रों में फिर भी चल रहा है ठीक, लड़कियां काम कर रही है, बाहर जाके एमएनसीज में काम कर रही है, घर चला रही, घर चलाने से लेकर हवाई जहाज भी उड़ा रही है, ऐसी बात नहीं है। सभी क्षेत्रों में लड़कियां अच्छे से काम कर रही है, महिलाएं काम कर रही है, लेकिन उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है आज भी जो अपना वो करियर खुद चुन सके। इतनी गाइडलाइन सभी महिलाओं को नहीं है, कुछ को ही है, ये वाली चीज मेन है। उस पर हमें काम करना होगा, सामाजिक संस्थाओं को काम करना होगा, अलग अलग से सोसाइटीज बनाकर, जैसे कि आप कश्यप सर बहुत सारा काम करती है अपने क्षेत्र में, आमना मैम है, प्रकृति छवि है जो अपना स्कॉलर है, एक शोध कार्य कर रही है इस पर ही। तो सभी का स्वागत है। और मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारा जो घरों की जो औरतें हैं, जो वो अपना करियर चुनना चाहती है घर के काम के अलावा, उनको पूरी चुनने की आजादी, उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए। और अपने क्षेत्र में अच्छे जो भी उनके अंदर स्किल है, चाहे वो अनपढ़ है चाहे पढ़ी लिखी है, सबसे पहले तो ये चीज है कि शिक्षा के ऊपर जोर देना चाहिए। जो अनपढ़ महिलाएं हैं उनको शिक्षित करके जो उनके अंदर हुनर है, क्वालिटीज है, वो डेवलप करें। एक संस्था के थ्रू से एक काम किया जा सकता है, एक दूसरे के सहयोग से काम किया जा सकता है, इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ। जी जी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, सबको शिक्षित करने के साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। आपने एक बहुत अच्छी बात की जो है, जो जेंडर इशू है उस पर आपने चर्चा किया कि मेल को, मैंने लड़के को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, लड़की को कम प्राथमिकता। जी सर, यहाँ छवि से मेरा एक सवाल है, छवि से एक मेरा सवाल अभी होगा क्योंकि आपने शुरुआत की थी, फिर आप पे आगे, फिर अमना जी के पास चलेंगे, फिर आपके पास आएंगे। तो ये सवाल इस बात का है कि जैसे कहा जाता है कि घर में जैसे जरा विलंब हुई तो लड़की कॉलेज गई हुई है तो घर में भाई को, पिताजी को, माता जी को चिंता होने लगती है, लड़की गई हुई है आई नहीं अभी तक, मतलब इस तरह का जो है मन में एक शंकाएं पैदा होने लगती है गार्जियन के लिए जो है, क्या ये एक समस्या नहीं लगती? वो एक वो जो समाज की जो सोसाइटी की जो मानसिकता है, क्या उसमें आज जैसे हम ही अपनी बच्ची को लड़की कहीं भेजते हैं तो हमारे मन में भी एक अनचाही अनहोनी घटना दिमाग में खटकने लगती है, लड़की बहुत देर से बाहर गई हुई है और अभी आई नहीं है, पता नहीं क्या बात है, रास्ते में होगी, 10 बार फोन भी करते हैं, क्या करते हैं, ये तो खैर उसकी बात सच्चाई की बात है, लेकिन क्या इस तरह के जो शंकाएं हैं उस पर आपका क्या कहना है? छवि अपने आप को अनम्यूट करिए। मेरी आवाज आ रही? जी जी हाँ जी, आ रही आवाज आ रही। कुछ कर रहे हो? हाँ जी जी जी, छवि
हाँ जी, आवाज आ रही है? आपने बड़ा सही सवाल किया ये, तो इसका जवाब तो आजकल, हाँ जी मेरी आ रही है आवाज आपकी आ रही है जी। आपने अभी कहा लड़कियां अगर देर से अच्छा ये शंकाएं तब तक होती रहेंगी जब तक हम अपनी बेटियों से ये कहते रहेंगे कि टाइम से घर आओ, और हम अपने बेटों को ये कहना भूल जाएंगे कि लड़कियों को, किसी लड़की को सुरक्षित घर छोड़ना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और हर लड़की बहन नहीं है लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी जरूर है, तुम हर लड़की का सम्मान करो जैसे तुम दूसरे से एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारी बहन का कोई सम्मान करे जी, वैसे ही तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिस दिन हम अपने लड़कों को ये सिखाना शुरू कर देंगे उस दिन ये जरूरतें खत्म हो जाएंगी कि लड़की देर से आ रही है या जल्दी आ रही है। हम लड़कियों से देखो तो सिखा देते हैं कि घर जल्दी आना है, हम लड़कों को ये सिखाना भूल जाते हैं कि लड़की के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है जी, कोई उस पे आरोप, कोई उसके साथ गलत काम नहीं करना है, वो बहन है, तुम्हारी बहन नहीं है, वो किसी और की बहन है, लेकिन तुम्हारी बहन भी निकलती है, तुम्हारे भी निकल वाइफ भी कल होगी तो वो भी निकलेगी अकेले दुखेले, तो जरूरत है, हम सबको जरूरत है। जिस एक बड़ा अच्छा प्रिंसिपल है, एथिक्स में अक्सर हम पढ़ते हैं इसे जी, जी। कि जहाँ आइडियोलॉजी, जो आपके नियम है या सिद्धांत है, जहाँ पे जैसे प्रकृति, हमारे यहाँ प्रकृति को पूजा जाता है और सबसे ज्यादा विनाश भी यहाँ प्रकृति का ही होता है, क्योंकि जहाँ पे हम पूजा का संस्कार है वहाँ व्यवहार, वहाँ एक तरफ हमारे संस्कार है और एक तरफ व्यवहारिकता है, उन दोनों में अंतर बहुत ज्यादा है जी। आपके एथिक्स जितने ज्यादा व्यवहारिक हो उतना आसान है उन एथिक्स को व्यवहार में, लेकिन हमने एथिक्स डाल दिए लड़की का सम्मान करो, उसकी पूजा करो, हमें पूजा नहीं करवानी है, आप हमारी सामान्य से रिस्पेक्ट कर लो जैसे आप अपनी बात कर रहे हो, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, और ये व्यवहारिक भी है और ऐसा ही होना चाहिए, हमें पूजा नहीं करवानी है, ना ही हमें देवी बनना है, ना ही पूजा करवानी है जी। बाकी अगर की बात करें किस तरीके से डिफरेंस क्रिएट होता है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी सेक्स रेशियो की, जो हम बचपन में ही कोशिश की जाती है कि लड़की को घर में पैदा ही ना होने दिया जाए, इसके कई कारण हैं, दहेज एक कारण है, इसके पीछे इंती, जो आपने बोला कि लड़कियों के साथ कुछ गलत हो ना जाए, हमें भी आशंका होने लगती है, अगर लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो उसके पेरेंट्स और उस लड़की को शर्मिंदा होना पड़ता है, जबकि फिर भी वही, क्योंकि सोसाइटलिटी है और उस विक्टिम भले ही लड़की है लेकिन वो कहीं कहीं अपराधी हो जाती है, सोशल रूप से उसे अपराधी और शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, यहाँ तक कि हमारी कोर्ट को ये कहना पड़ता है कि हमें उस लड़की का नाम छुपाना है, जिस लड़की के साथ कोई रेप या किसी घटना हो जाती है उस लड़की का नाम छुपाना पड़ता है, क्योंकि कल वो लड़की अगर सोसाइटी में निकलती है तो सारी सोसाइटी उसे परेशान ना करे, तो हमें एक विक्टिम का नाम छुपाना पड़ता है कि उसे इस तरह दी है, ये वास्तव में दाई बात है। तो हमारे यहाँ पे सेक्स रेशियो कम होने के पीछे जहाँ दहेज या इस तरह की समस्याएं हैं, वहां पर एक सिक्योरिटी पेरेंट्स के मन में रहती है, वो भी एक बड़ा कारण है, और इसके अलावा एक तीसरा कारण है जो सबसे बड़ा कारण है, वो है कि हमें लगता है कि हमारा जो वंश है वो महिलाओं से नहीं चलता, वो पुरुषों से चलता है, तो ये अपने आप में बड़ी पुरुषों का से जो संतान उत्पन्न होगी वो तो मेरे अपने परिवार का है, लेकिन जो महिला से संतान उत्पन्न हुई, जो बेटी से संतान उत्पन्न हुई, वो मेरी अपनी संतान नहीं है, वो मेरे परिवार की संतान नहीं है, वो मेरा नाम नहीं लेकर चलेगा, तो ये जो यहाँ जिस तरीके से माना जाता है, तो ये तीन सेक्स रेशियो होता है डिफरेंस लाने के लिए। तो पहला कारण होता है हम लड़कों हम उन्हें पैदा होने पहले मारने की कोशिश करते हैं, हम उन्हें पैदा होने के कुछ दिन बाद गला दबा के ठीक से ध्यान, ये अपने आप में चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि जब एक बच्चा 0 से 5 साल तक की जो मृत्यु दर है उसमें लड़कियों की जो बच्चियां हैं उनकी भी है बच्चों की अपेक्षा, यानी लड़कों या तो ध्यान नहीं दिया जाता, बीमार हुई तो कोई बात हो जाएगी लड़की अपने आप ठीक हो जाएगी, लड़का है तो ट्रीटमेंट कराना, लड़की है तो अपने आप ठीक हो जाएगी, नहीं भी हुई तो क्या हुआ, कोई बड़ी मुसीबत मर जाएगी ज्यादा से ज्यादा, लेकिन के लिए रिस्क नहीं उठा, कई बार उनकी हत्या कर दी जाती है, सारे कारण है कि पहले तो हम लोग उसे गर्भ में मार देते हैं,
उसके बाद अगर वो वहां से लड़के आ भी जाए, बच भी जाए, तो 0 से 5 साल तक जो हमारा बहुत ही कॉन्शियस पीरियड होता है, जहां पे ध्यान रखना होता है, वहां पे हम उसे बचने नहीं देते। उसके बाद भी जो जो बेचारी लड़के आ जाला जाता है, हम लड़के से नहीं पूछते वो वहां खेल रहा है, ठीक है, नहीं बच्ची भी है, तो वो अपने छोटे भाई को संभालना सीखती है, वो रोटी बनाना सीखती है, वो घर के कामों में लगना सीखती है, उसे ये बताया जाता है। आपके पास उसके बाद जब आगे वो बढ़ती है, थोड़ा सा आवाज की इशू है, अभी शिकायत भी आ रही है थोड़ी सी, एजुकेशन में आवाज का इशू है थोड़ा सा, मैं आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही है छवि जी की, आप अपनी ये लीड निकाल लेंगे, सीधे डायरेक्ट लैपटॉप पे आ जाएंगे तो ठीक हो जाएगी आवाज। तो अमाना जी, जैसे अभी एक चर्चा हो रही है जिससे सेक्स रेशो कम होने का कारण जो है सभी गिना रही है और अच्छा तर्कसंगत बात कर रही है, तो इसमें जैसे आपने बताया गला दबाने की, गर्भ में मारने की, ये बहुत सारी समस्याएं कुरीतियां हैं, तो इस संबंध में आपका क्या कहना है, इन समस्याओं के बारे में निराकरण कैसे किया जी? प्रकृति जी ने एक बात बोली जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम लड़कियों को हमेशा सिखाते हैं बट हम अपने घर के लड़कों को नहीं समझाते हैं कि इस समाज में उनको भी एज ए जिम्मेदार नागरिक, आप उनको किसी की बहन मत समझिए, कुछ मत समझिए, आप उनको बस इंसान समझिए, एक आदमी भी इंसान है, एक औरत भी इंसान है, तो आप उसके साथ वैसे ही व्यवहार कीजिए जैसा आपको अपने साथ अच्छा लगेगा, इतना काफी है। बट ये समझ घर से ही आएगी, जब घर में माँ बाप अपने बच्चों को समझाना स्टार्ट करेंगे लड़कों को, तो वो समझ उनके अंदर बचपन से आ जाएगी। जब ये वाली बात है कि माँ बाप बच्चियों पे कर्फ्यू लगाते हैं, इसमें मैं पूरी तरह से माँ बाप को ही दोषी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि देखिए एक चीज और होती है, हमारे माँ बाप हमसे मोहब्बत भी बहुत करते हैं, प्यार भी करते हैं, तो एक चिंता उस वहां से भी आती है कि कहीं चलो मेरी बेटी है वो बाहर जा रही है, कहीं समाज में कोई ऐसा तत्व ना हो जो कि जिसकी वजह से वो विक्टिम बन जाए, वो जो प्रोटेक्टिव इंस्टेंस होता है, वो प्रोटेक्टिव सोच होती है पेरेंट्स की, वो बहुत ही नेचुरल है, वो आती है, वो कई बार लड़कों के लिए भी मैंने देखा है, वो अपने लड़कों को बोलते हैं कि तुम उस इलाके से मत जाना, वो इलाका बहुत खराब है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लड़कियों को ही बोलते हैं, लेकिन लड़कियों के सेंस में क्योंकि हम ज्यादा वल्नरेबल हैं, अभी तक बहुत ज्यादा अच्छे से समाज क्या बोलूं मैं, रिफॉर्म नहीं हो पाया है लड़कियों को लेकर के, उनकी जो एक मानसिक बदलाव होने की जरूरत है, लड़कियों को एज ए इंसान देखने की, ना कि एक सेक्स ऑब्जेक्ट देखने की, जहां राह चलते ही वो उनको छेड़ना स्टार्ट कर देंगे या हाथ लगाएंगे, ये सब तत्व तो अभी भी है समाज में। मैं कभी जनरलाइज नहीं करूंगी क्योंकि मैं अपने आसपास बहुत तरह के लोगों को देखती हूँ, मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ जो चाहते हैं कि उनके घर में किसी तरह से एक लड़की पैदा हो जाए, तो लड़कियों के लिए प्यार भी बहुत है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो हमको बहुत मल्टी डायमेंशनल समझनी पड़ेगी। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ हमारे माँ बाप की भी एक मानसिकता होती है, वो भी किसी समाज का एक हिस्सा है, ठीक है, उनकी भी जो माइंडसेट है, जो माइंड मेकअप है, वो कुछ नियम कायदे को समाज के मानती है, उनसे आप लड़ नहीं सकते। आपको अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि वो नियम कायदे दकियानूसी हो चुके हैं या अभी उनका उतना वैल्यू नहीं है, आपको भी बड़े प्यार से बैठ के अपने माँ बाप को समझाना पड़ेगा कि मम्मी या डैडी देखो ये जो आपकी सोच थी ये पुरानी हो गई है, हो सकता है वो समझ जाए, हो सकता है वो ना समझे, पर ये जो बातचीत का सिलसिला है ये चलते रहना चाहिए, समाज में बदलाव तभी आएगा। तो दो चीज है, तीसरा हमारे माँ बाप को भी ये समझना होगा कि एक लड़की एक स्वतंत्र इंडिविजुअल एंटिटी भी है, उसके खुद के डिसीजन की रेस्पेक्ट करना भी उनको सीखना पड़ेगा, ये हमारे समाज से बहुत बड़ा मिसिंग है। माँ बाप कभी ये इतना प्रोटेक्टिव होते हैं कि वो सोचते हैं कि लड़की को बहुत लाड प्यार से पाल पोष दिया, फिर किसी और लड़की से शादी करा दिया और ऐसे ही वो प्रोटेक्ट रहेगी, ऐसा नहीं होता है। कितनी लड़कियां हैं जो ऐसे ही शादी करने के बाद उनकी जिंदगियों में कितनी कठिनाइयां आ रही हैं, दहेज को लेके परेशानी आ रही है, तो जिंदगी आप कितना भी प्रोटेक्ट कर लीजिए, जिंदगी के स्ट्रगल वहां पे रहेंगे, तो उससे तो बहुत अच्छा है कि आप अपनी लड़की को इस लायक बनाइए कि वो स्ट्रगल को फेस कर सके, वो समझ सके और वो खुद अपने फैसले ले सके। एक तो ये, दूसरा जेंडर गैप एक बहुत बड़ा इशू है। मैंने भी रिसेंटली पढ़ा था कि जो नए आंकड़े आ रहे हैं वो उनके सेक्स रेशियो का डिफरेंस अभी से भी ज्यादा है। इसके पीछे रीजन क्या है, साइंटिफिकली कुछ हो रहा है रीजन है, या क्योंकि अभी तो बहुत ज्यादा
कानून बना दिए गए हैं कि आप सेक्स डिटरमाइन नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें हैं। इंडिया में कानून बहुत अच्छे अच्छे बन जाते हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट है हमारा वो फेल हो जाता है। अगर हमारा लॉ इन्फोर्समेंट प्रॉपर हो तो सेक्स डिटेक्शन नहीं होगा, वीमेन को पेट में मारा नहीं जा सकेगा। अगर लॉ इन्फोर्समेंट अच्छा हो तो लड़कियां बाहर जब जाती हैं तो वो सेफ रहेंगी, वो सेफ्टी ही उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। अगर वो सेफ रहेंगी तो माँ बाप भी इतना डरेंगे नहीं। तो लॉ इन्फोर्समेंट एक चीज है जिसपे बहुत काम होने की जरूरत है। मेरी मम्मी है, अगर मैं बाहर जाती हूँ, जैसे मैं दुबई गई थी कुछ महीने में, वहां थी, वहां काम कर रही थी, तो वो इतना नहीं डरती थी कि जब मैं बाहर जाऊंगी, ठीक है। और मैं समझ सकती हूँ क्योंकि छोटा सा देश है, तो उनको लगता था कि वहां का लॉ इन्फोर्समेंट प्रॉपर है तो वो सेफ रहेगी। इंडिया में अगर कोई बड़े शहर में हूँ, मैं मुंबई में हूँ, दिल्ली में हूँ, तो मेरी मम्मी इतना नहीं डरती है, लेकिन मैं जैसे ही छोटे शहर में चली जाती हूँ तो उनका डर थोड़ा बढ़ जाता है कि इतने बजे के पहले घर आ जाए। तो लॉ इन्फोर्समेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, संवाद हर तरफ से, बच्चों को भी अपने माँ बाप से संवाद करना पड़ेगा और माँ बाप को भी सुनना पड़ेगा। ये सब चीजें जो है अगर नहीं होती हैं जब तक, तब तक मानसिकता नहीं बदलेगी, और जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक कोई ठोस बदलाव आएंगे नहीं। दो चार टोकन आप देख लेंगे, कुछ औरतें हैं बाहर आ जाएंगी, बट एक जो बड़े लेवल पे सामाजिक बदलाव होता है वो मानसिकता बदलने के बाद ही होगा। जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कही। आशा जी, आपका क्या कहना है, जो अमाना बेगम जी कह रही है कि जो बदलाव लाने की जरूरत है, माँ बाप को भी थिंकिंग करने की आवश्यकता है और बच्चों को भी थिंकिंग करने की आवश्यकता है, इसमें इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश आपको डालना है। जी सर, मैं आमना जी से पूरी तरह से सहमत हूँ और छवि जी से भी, क्योंकि जब तक हम मानसिकता नहीं बदलेंगे अपने परिवारों की, अपने घर में ही अंदर, जब तक ये सामाजिक बदलाव पॉसिबल नहीं है। और ये मानसिकता एजुकेशन के साथ ही बदली जा सकती है। हर लेडी को जो घर में, एक परिवार में, एक जो मुखिया है हमारे घर में औरत, हम उसको शिक्षित अगर कर देंगे तो वो अपने बच्चों को अच्छे से समझा पाएगी। लड़की के लड़की को अधिकार, लड़की के दोनों को इक्वल अधिकारों से, जब बेटी हमारी घर से बाहर जाती है हम अच्छे से उसे कह देते हैं कि शाम को जल्दी घर वापस आ जाना, और जहां पर बेटा जाता है तो बेटे को कोई नहीं कहता कि शाम को जल्दी वापस आ जाना, तो हम दोनों को ही एक साथ मानेंगे। और बेटे को भी ये समझा के भेजे कि बेटे अगर तुमको कोई भी लड़की अकेले मिलती है, वो परेशान है, तो उसको आप उसके घर तक पहुंचा के आओ, आप उसको अपनी तरह ही समझो, अपने फैमिली मेंबर की तरह ही लो, उसको एक अदर मेंबर की तरह ना लो, वो आपके समाज का ही एक हिस्सा है, उसकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी बनती है। जब तक हम अपने बेटों के अंदर ये वाली चीज नहीं डालेंगे, जब तक तब तक ये सामाजिक बदलाव पॉसिबल नहीं है। और मानसिकता ही चेंज करेंगे जब ही पॉसिबल होगा, वो होती है शिक्षित होने से। कहते हैं कि एक स्त्री पूरे समाज को, पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है, बशर्ते कि एक पुरुष अपने लिए इंडिविजुअल एजुकेशन लेता है, और एक विमन जो लेती है वो अपने अपने लिए नहीं, पूरी फैमिली के लिए एजुकेट करती है पूरी फैमिली को। तो ये वाली चीज हमको मान के चलनी होगी और उनके डिसीजंस को मानना होगा। अगर बैठकर वो सीधे सीधे संवाद कम्युनिकेट कर पाए अपने पेरेंट्स से, लड़कियां, कि मैं अपनी लाइफ में ये करना चाहती हूँ, उन पर ये भार ना डाला जाए, प्रेशर ना हो कि आपको शादी करनी है, 12वीं क्लास पढ़ लिया है, छोटी एज में शादी कर देते हैं गाँवों में, वो वाली चीज नहीं करनी चाहिए। उनको पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए अपने डिसीजंस के लिए कि आपको करना क्या है लाइफ में, जिससे कि उनपे जो दहेज प्रथा, जो मेन रीजन है, कम एज में शादी हो जाना, शिक्षित नहीं किया जिससे कि कम एज में शादी कर दी गई, दहेज देना पड़ा परिवार को, वो वहां पर जाकर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, दहेज के कारण वो वापस अपने घर आना पड़ता है, डिवोर्स हो जाते हैं बहुत सारी, दोनों ही समाज में, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज। जैसे कि अभी अभी आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले ही आयशा ने सुसाइड कर लिया। एक छोटी सी प्रॉब्लम, उन्हें फैमिली को बहुत चाह रही थी, अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी, बट एक दहेज के रीजन की वजह से उसे सुसाइड करना पड़ा। और देखो दोनों ही फैमिलीज मतलब कष्ट में है आज। और ये मैं इसको मुस्लिम समाज के लिए एक बहुत बड़ा आज कदम है। आज मैंने ही न्यूज में देखा कि अगर हमें मुस्लिम समाज ने दहेज ना लेंगे और ना देंगे कि उन्होंने प्रथा को आगे चलाया कि हम लोग आगे से अब दहेज नहीं लेंगे। आयशा को सुसाइड क्यों करना पड़ा? ये काम पहले भी हो सकता है, किसी की जान गंवाने से अच्छा है कि हम पहले ही वो डिसीजन ले लें कि जो हमारे समाज के लिए अच्छा हो। हमें जरूरी नहीं कि हम बलिदान देकर ही हम वो सीख लें, बिना बलिदान दिए लिए भी हम वो सीख ले सकते हैं अपने समाजों के लिए। और हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, मैं तो दोनों में ही कहती हूँ, हिंदू में थोड़ा सा डेवलपमेंट है महिलाओं के प्रति, बट थोड़ा मुस्लिम समाज में भी है,
एजुकेशन को लेकर वो मल्टीपल मैरिज एक मेन इशू है. मल्टीपल मैरिज जब तक चलेंगी समाज में तब तक ही प्रॉब्लम्स रहेंगी कंटिन्यू. और सेक्स रेशो की बात की प्रकृति मैम ने तो वो भी सही है कि जब तक हमें ये योजनाएं क्यों लागू करनी पड़ रही है, सेक्स रेशो के ऊपर ही लागू करनी पड़ रही है कि हमारी बेटियां जन्म लें जिससे कि सेक्स रेशो इक्वल हो जाए और ये पहले ही मार दिया जाता है कोख में, तो इसलिए हमें योजनाएं आगे लानी पड़ रही है. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना है, जैसे जैसे ये चीजें हैं सामने है, तो ये मेन प्रॉब्लम है. और ये सारी चीजें ही जहां से स्टार्ट होती है वो अनएजुकेटेड फैमिली से है. जब तक हम हर परिवार में शिक्षा को जोर नहीं देंगे, हर क्षेत्र में हर सामाजिक रूप से अपने महिलाओं को सबल नहीं करेंगे, सजग नहीं करेंगे, तब तक ये बदलाव होना इम्पॉसिबल है. जब तक ये बदलाव नहीं आएगा इसलिए शिक्षा पर मेन जोर देना चाहिए. शहरी क्षेत्रों में तो हर कोई काम कर रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है. वो थोड़ा बहुत पढ़ाई करवा देते हैं और फिर शादी के लिए उन्हें तैयार कर देते हैं कि आपको शादी करनी है बच्ची की, जो कि लड़कियां आगे जाना चाहती है, बट वो प्रॉब्लम है कि उन्हें फैमिली डिसीजन लेने स्वीकार करने पड़ते हैं और वो अपनी इच्छा सामने नहीं रख पाती एक डर के कारण. एक फैमिली जो रिस्पेक्ट है उनकी समाज में, उसकी वजह से वो कुछ बोल नहीं पाती है. इसलिए हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि कोई बात नहीं, शादी तो हो ही जानी है, एक ही होती है कि हो ही जाती है सबकी शादी. लेकिन अपने लिए अगर कल को कोई उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स आती है वो अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सके, अपने बच्चों को पाल सके, वो किसी के सामने निर्भर ना हो, आत्मनिर्भर बन सके, ये चीज मैं कहती हूँ इसमें. आपने बहुत अच्छी बात की, मानसिक बदलाव की आवश्यकता है इसमें. देखिए अंग्रेजों के जमाने में, मतलब आज से 100 साल पहले, ये देखा गया है कि, मैं समझता हूँ कि एक दूध पीती प्रथा थी. दूध पीती प्रथा का मतलब था कि जो लड़की घर में पैदा हो गई उसको दूध की बाल्टी में डुबो करके जो है नाक खींच लेते थे उसका, ताकि उसका दम घुटके मर जाए, और वो एक सम्मान का प्रतीक माना जाता था. और अंग्रेजों ने इसे कानून बना के समाप्त कर दिया था और ये बंद हो गई थी. आज कई कई सीरियल्स में जो है ये प्रथा दिखाई जाती है कि लड़की को जो है वही दूध पीती बर्तन में डुबोने का ये जो है परंपरा जो है फिर से जो है जीवित करने की, मुझे लग रहा है सीरियल के माध्यम से दिखाया जा रहा है. ये कुरीतियां हैं, इस पर अंकुश लगना चाहिए था, लेकिन आज सीरियल के माध्यम से दिखाया जा रहा है. तो ये कुरीतियां हैं, इसमें सेक्स रेशो कम होने की बात बताई गई है, लेकिन एक ऑनर जो परिवार का एक सम्मान जो माना जाता था, जो सम्मान की बात कहते थे कि परिवार में महिलाएं हो जाएगी और लड़कियों को, मतलब जेंडर इशू जो मन में रखा जाता है, लड़का लड़की है, लड़के को ज्यादा सम्मान दिया जाता था. आज उसमें कुछ कमी तो जरूर आई है, लेकिन आज भी दिमाग में कंसेप्ट यही है लोगों का कि जो है लड़का रहेगा तो एक धार्मिक इशू उसको बना दिया जाता है कि गति नहीं होगी, उसे रास्ता नहीं मिलेगा. खैर इसको तो मैं नहीं जानना चाहता उस पर डिबेट को लेकर के. छवि जी से मेरा एक सवाल इस बात का है, आप ये बात कह रही थी कि जो सेक्स रेशो कम होने के कौन कौन से कारण आपने पहले बताए थे, कई तर्कसंगत कारण थे, तो उस पर मैं फिर छवि जी को लेकर आना चाहता हूँ. छवि जी अपना माइक अनम्यूट करिए जी. छवि जी, छवि मेरे आज सिग्नल की कुछ प्रॉब्लम है, बनने के बाद भी आज ठीक से. हाँ, ये कुछ आज सिग्नल कमजोर है, नहीं हो पा रही है. हाँ, सिग्नल कमजोर है. तो आपने सेक्स रेशियो के कारण मैंने अभी बताई थी थोड़ी देर पहले ही. हाँ, आज कुछ प्रॉब्लम है यहाँ. आमतौर पे ऐसा नहीं होता पर आज नहीं हो पा रहा है वाईफाई के बाद. कोई बात नहीं, आज छोड़ देते हैं, वहीं पर रुकते हैं क्योंकि उधर से नेटवर्क इशू है. अमाना जी जो है इस पर कुछ प्रकाश डालें आप, जो है जो सेक्स रेशो कम होने के कारणों पर जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, दो तीन तर्कसंगत इशू जो है छवि जी ने गिनाए थे, और भी कौन कौन से कहा, जैसे ओनर किलिंग का एक मुद्दा है आजकल जो देख रहे हैं कि जो है एक लड़की किसी मनचाहे लड़के को पसंद करती है और वो शादी भी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं, घर में आते हैं तो उसे घुसने नहीं देते, यहाँ तक कि उसको जान से हाथ धोना पड़ता है, और नहीं तो उसके घर वाले ही उसको मारने का प्रयास करते हैं. इस पर जो है आपका क्या कहना है? आपकी आवाज कट गई थी, बट मैं ये बोलना चाहूंगी कि एक्चुअली में हमारे माँ बाप सामाजिक, हम लोग सामाजिक प्राणी है, और हिंदुस्तान का कल्चर तो ऐसा है कि हम और ज्यादा अपने समाज से जुड़े हुए हैं और लोग क्या कहते हैं इसका बड़ा फर्क पड़ता है हमें. हमें ये बात नहीं समझ में आती है कि जो लोग कहते हैं, जब आपके घर में दुख आता है, जब आपके ऊपर मुसीबत आती है, तो उन लोगों में से कोई आता नहीं.
बट हमें बड़ी सिक्योरिटी फील होती है कि लोग हम लोगों के देखिए मैं इसको थोड़ा सा साइंस के उसमें एक्सप्लेन करना चाहूंगी। हमारा इवोल्यूशन हो गया, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, बट हमारे प्राचीन काल में हम भी एक हर्ड जैसे थे। हमारा सर्वाइवल जो है वो इस चीज पे बहुत डिपेंड करता था कि उस हर्ड में हमारी पोजीशन क्या है। जब हम बहुत पुराने की बात बता रही हूँ, क्योंकि हम लोग एक कम्युनिटी में रहते थे और हम सर्वाइव तभी कर पाएंगे अगर हमारे कम्युनिटी के अंदर हमारी एक अच्छी गुडविल है, ठीक है, हमारा एक अच्छा नेटवर्किंग है। अब वो चीज धीरे धीरे बदलते बदलते वो हर्ड सिस्टम चला गया और हम अब बहुत बड़े नेटवर्क का पार्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे अंदर वो बायोलॉजिकली इंस्टिंक्ट है सर्वाइवल की। और उस सर्वाइवल में हमें लगता है कि हमारा समुदाय, हमारी कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब भी कुछ होगा। तो इसी को लेकर के हमारे अंदर हमेशा ये बात रहती है कि लोग क्या कहेंगे। अगर लोग हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे तो कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा। और इस वजह से हम अपनी लड़कियों के, अपने बच्चों की खुशियों को भी ताक पे रख देते हैं सिर्फ लोग क्या कहेंगे। और हमें ये बात समझ नहीं आती कि उन लोगों में से कोई भी कभी आता नहीं है जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है। आपके अपने बच्चे, आपके अपने घर वाले ही आपका, आपके साथ मिल बैठ करके दुख बांटते हैं। तो ये बात की जो अवेयरनेस है हमारे सोसाइटी में वो बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा, औरतों को संपत्ति के तौर पे देखना बंद करना पड़ेगा। औरतें एक संपत्ति नहीं है, वो इंसान है, वो सोच समझ सकती है, उसकी अपनी फीलिंग है और उसके अपने डिसीजन भी हो सकते हैं। उस डिसीजन को सम्मान मिलना चाहिए। वो आपने उसको जन्म दिया है, बहुत सही बात है, आपके बहुत उपकार है, आपने उसको पाला पोसा, सब कुछ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी जिंदगी उससे छीन लें क्योंकि आपने उसको जन्म दिया है। सेकेंड बात, थर्ड बात, एक ये प्रॉब्लम है कि विमेन को हमारे समाज में गलती करने का अधिकार नहीं। ये मैंने देखा है कि अगर लड़के गलतियां करते हैं, कई बार करेंगे, तो बोला जाता है कि वो गलती करके सीख जाएगा, लेकिन किसी तरह से अगर लड़की ने गलती कर दी तो खत्म, जिंदगी खत्म, हमारे पूरी फैमिली डूब गई, मर गई। लड़कियां फैसला तभी सही ले पाएंगी, किसी को भी किसी भी चीज में अच्छा होने के लिए कई गलतियां करनी पड़ती हैं, वो गिरती है, पड़ती है। आप एक बार में साइकिल चलाना नहीं सीखते हैं ना, तो जब आप उसको कभी डिसीजन ही नहीं लेने देते अपने लाइफ का, तो वो समझेगी कैसे कि वो अपने डिसीजन अच्छे ले रही है, सही ले रही है, नहीं ले रही है। आप उसको बचपन से जिस तरह से लड़कों को उनके जिंदगी के डिसीजन लेने देते हैं वैसे ही लेने दीजिए। तो ये पूरा, जब तक ये दो तीन चीजें बहुत क्लियर नहीं होगी, औरतों को एज ए इंसान, एक एज ए इंडिविजुअल देखा जाए, एक संपत्ति के तौर पे नहीं। औरत से अपनी इज्जत मत जोड़िए, ठीक है, उससे आपकी इज्जत ना कम होती है ना, ये कोई बात नहीं है। वो आपके, आपके फैमिली का हिस्सा है, वो आपकी फैमिली का इज्जत नहीं है कि उसको प्रोटेक्ट करके रख लीजिए। हमारे मुस्लिम समाज में ये बहुत ज्यादा है, हमेशा बुरका लगा के दिखाते हैं कि खुली हुई टॉफी के ऊपर तो देखो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, रैप टॉफी के ऊपर नहीं लगते तो बुरका लगा, इस तरह की बातें होती है। और वो देख के मुझे बड़ा ही हंसी आती है, अजीब आती है, अजीब सा लगता है। दूसरा, एक हमारे सोसाइटी में मैंने देखा है कि बोलते हैं बुर्का या बिकनी, बीच में कुछ नहीं होता है क्या, मतलब या तो तुम बुर्का पहनोगे या फिर तुम बिकनी। और लड़कियां बीच में बहुत कुछ है, बहुत तरह की पर्सनालिटी है उनकी। हेलो, मेरी आवाज जा रही है आपको? आपकी आवाज आ रही बहुत अच्छे से, आपकी आवाज आ रही, कोई दिक्कत नहीं, आप कंटिन्यू करिए। अच्छा, तो ये जो इस तरह का जो एक एक्सट्रीम बनाया जाता है, या तो तुम बिल्कुल ही, तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तुम्हारे अंदर कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम बिल्कुल केयरलेस हो, या फिर तुम देवी बन जाओ, ये दो तरह के एक्सट्रीम नहीं होने चाहिए। लड़कियां एक इंसान है, उनको बढ़ने, ग्रो होने का मौका दीजिए। और उनकी गलतियों से आपकी सोसाइटी, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका, आपकी फैमिली डूब गई, ये आपके दिमाग में है, आप ये सिंपल सी बात है, आपको कोई नीचा नहीं दिखा सकता जब तक आप खुद अपने आप को नीचा ना समझे। जब आपको समाज ताने मार रहा हो कि आपकी बेटी ने उस लड़के को क्यों चुना, आप समाज से खड़े होकर बोलना स्टार्ट कीजिए कि ये उसका फैसला है, आपको इससे क्यों प्रॉब्लम हो रही है, लड़का अच्छा है, लड़का मेरी बेटी को खुश रख रहा है, आप उसके दुख दर्द में आके हाथ बटाओगे क्या? तो ये पहले हमारे फैमिली में, हमारे लोगों में इंडिविजुअल चेंजेस आएगा, फिर वो समाज को चैलेंज करेंगे तो समाज में भी चैलेंज आएगा। वो सब बहुत एक
एक साथ नहीं होगा, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे होगा और वो हो रहा है, बट इन सारी वजहों से कहीं ना कहीं एक प्रेशर आता है और लोगों को लगता है कि बेहतर है कि बेटियां ना हो, क्योंकि एक उनको लगता है बहुत झंझट हो जाता है बेटियों को बड़ा करना, फिर उनकी शादी करना, फिर उनकी दहेज इकट्ठा करना, फिर शादी के बाद भी देखना कि उनकी जिंदगी प्रॉपर चल रही है या नहीं चल रही है, उसके ताने सुनना, फिर जिस घर में वो शादी करते हैं वहां से हमेशा एक एक तरह का टॉन्ट आता है, इंफीरियर दिखाया जाता है, हम तो लड़के वाले, जैसे कि बेटी पैदा करना ही एक तरह का गुनाह हो गया, अजाब हो गया किसी तरह का, ठीक है। वो सब चीजें जो मिला करके है ना, बेटी घर में होना एक तरह का कई लोगों को ऐसा लगने लगता है कि हमारे सर पे बहुत सारी मुसीबतें आ जाएंगी जो हमें फेस करनी पड़ेंगी, उससे तो अच्छा है लड़का ही हो जाए। एक और चीज है, क्योंकि जब लड़के पैदा होते हैं और उनके माँ बाप उनके परवरिश में काफी खर्च करते हैं, तो उन्हें लगता है ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, जो लड़की नहीं बनेगी, वो एक लालच भी आ जाता है कि लड़कियों को तो सिर्फ देना पड़ता है, फिर उनको भेज दो, फिर वहां से और डिमांड आती है, यहाँ तो लड़का है तो हम डिमांड कर लेंगे, तो ये उनको कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट वाली बात लगती है लड़का होना। तो इस तरह से बहुत सारे, मतलब आप फैक्टर गिनते जाएंगे आपको मिलता जाएगा कि सब मिला जुला के एक ऐसी मानसिकता बनती है जहां पे लड़की होना, घर में होना एक कम फायदे वाली बात देखी जाती है, लड़का होना काफी फायदे वाली बात देखी जाती है। लेकिन साथ में हम ये नहीं समझते कि जब जेंडर रेशियो खराब होगा तो आप अपनी बहुएं लाओगे कहाँ से, फिर हरियाणा जैसे समाज में आप बहुएं खरीद के लाते हो। तो हर चीज के प्रो कॉन्स होते हैं, जब आप बहुत अपना फायदा देख करके लड़कियां नहीं चुनते हो तो फिर बाद में आपको वही लड़कियां खरीद के लानी पड़ती है बहू के तौर पे। ये बात आपने बहुत ही मार्किंग कही, क्योंकि जब सेक्स रेशो जो जेंडर रेशो जो इधर उधर हो जाएगा, कम ज्यादा इन इम्बेलेंस हो जाएगा, तो ये इस तरह की समस्याएं आने में जरा भी देर नहीं लगेगी। तो लोग क्या कहेंगे, दक्षिण से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, इस बार आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि हम क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस पर ये समाज जब बदलेगा, समाज शिक्षा के विचारों से प्रचारों से बदलेगा, ये बात बिल्कुल सही आपने कही है। तो मैं आशा जी से एक सवाल पूछता हूँ, क्योंकि हम लोगों की एक समय की सीमा भी है, तो जैसे अभी चर्चा चली कि हमारे जैसे बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, ऐसे बहुत सारे धर्म शास्त्र हैं, उनमें महिलाओं के बारे में जरूर टिप्पणियां लिखी हुई, धर्म के ठेकेदारों ने आज एक तरफ को महिलाओं का गुणगान भी किया है, देवी भी बनाया, एक तरफ उनको जो है जैसे ढोल गवार शूद्र को सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस तरह की बातें भी कही है। तो जो है आज जो है लड़कियों के प्रति जो भारतीय संविधान व्यवस्था में जो है स्त्री पुरुष को एक समान माना है, लड़का लड़की को एक समान माना है, उसे एक नागरिक माना है, न स्त्री न पुरुष, केवल नागरिक माना है। तो इस कंडीशन में जो है आप जो है एक नए दौर में नए तरीके से इस समाज की रचना में जो योगदान है महिला, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी सर, वो ये ऐसा कुछ नहीं है जो धार्मिक आधार पर महिलाओं को कम आका जाता है, ये जो पुरोहित पंडित है वो उनका एक अलग एरिया है, वो कहते हैं कि नहीं नहीं नारी को थोड़ा कम देखते हैं, पहले पुरुष को अधिकार दिया जाता है, पितृ सत्तात्मक वही बात में आ जाती है कि वो पहले उनको पहल करते हैं देने की स्त्री को बाद में, बट हमारे संविधान ने दोनों को इक्वल माना है, दोनों के राइट्स अलग हैं, सबके लिए वैल्यूज इक्वलिटी की पूरी पॉसिबिलिटीज है संविधान में, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये अपनी अपनी सोच पर डिपेंड भी करता है, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं कि जो पूरी तरह से विमेंस का वेलकम करती है इसमें, बट कुछ रूढ़िवादी परिवार हैं ऐसे जो बिल्कुल कट्टरता से अपने परिवार को लेके चलती हैं, उनके लिए महिलाओं के लिए नहीं है तो नहीं है और पुरुषों के लिए हाँ है तो हाँ है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। और जैसे अभी अभी मैं कहूंगी कि एक महिला आज के विमेंस डे पर एक ये नीता रिलायंस फाउंडेशन की जो चेयरपर्सन है नीता अंबानी, उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया हर सर्कल डिजिटल वर्ल्ड वाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है उन्होंने, उसके लिए कि हर समुदाय, कोई भी मुस्लिम समुदाय हो, हिंदू समुदाय हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, जो भी हो, हर समुदाय की महिलाओं को विचारों का वेलकम है, वो जाएं अपने नेगेटिव पॉजिटिव अपने विचार वहां पर रखें और उनको आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से और नेतृत्व लीडरशिप मतलब फाइनेंस में हेल्प मिलेगी, नौकरियों के अवसर मिलेंगे। ये बहुत बड़ा एक इन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है और मैं चाहती हूँ जो सोशल इंस्टीट्यूट हैं अपने समाज के, हमें उनको अवेयर करना चाहिए, उनको इसका बेनिफिट लेना चाहिए यहाँ पर।
ये ऐसा जो रूढ़िवादी परिवार है उनको एक तरफ रख दीजिए आप, उनसे हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो लोग ना बदलेंगे ना हमारे समाज को बदलने देंगे। हम उनकी बात करेंगे जो खुले विचार है, जो ऐसी ऐसी फैमिलीज है जो भेदभाव नहीं रखती है, किसी भी कास्ट में हो किसी भी धर्म में उनके बच्चे मैरिज कर रहे हैं और अच्छे से अपने परिवार को चला रहे हैं। हम उन्हीं की बात करेंगे और उसी समाज को हम लेके चलेंगे, चाहे वो हिंदू मुस्लिम कोई भी, इवन कोई भी है, मैं ये मानती हूँ। रूढ़िवादी परिवार की बात ही क्यों करें, जो समाज हमारे जो इंसान हमारे समाज का विकास नहीं कर सकता हम उसकी बात ही क्यों करें, हम उसको एक तरफ कर देते हैं। जी सर, आपने जो समाज की बात नहीं करता उसको हमको एक तरफ जो हमारे करना समाज ही को अच्छे ले जाने के लिए है तो हम उनकी बात ही क्यों करें, जो हमारे समाज को आगे ले जाने के लिए तैयार है हम उनकी बात करें, उनके साथ रहें। जी जी, बहुत अच्छी चर्चा आपने बताई, बहुत अच्छा बात बताई, क्योंकि हम उनकी बात क्यों माने जो हमारे समाज को पीछे ले जाने की बात करें। छवि जी, यदि आपकी आवाज ठीक हो गई हो, आजकल नेटवर्क शायद अब पहले से ठीक है। हाँ जी, थोड़ा सा और ऊपर हो जाइए, थोड़ा सा आपके सामने आपका चेहरा अट गया। हाँ यस यस यस, थोड़ा सा एक सवाल जो है ये आया है, अभी हमारे साथी भी लिख रहे हैं इस बात को, जैसे लड़के और लड़की में जो भेदभाव करने की जो प्रथा है जी, लड़के लड़की में जो भेदभाव जो होता है उसकी परवरिश को लेकर के भी, जैसे लड़कियों को सुविधा कम देते हैं, लड़कों को सुविधा ज्यादा देते हैं, उसको ज्यादा लाड़ प्यार भी करते हैं, शिक्षा दीक्षा उसे बाहर पढ़ने के लिए भी भेजते हैं, तो इस पर थोड़ा सा कहिएगा जो इस समस्या का समाधान कैसे होगा। देखिए, पिछले दिनों में इतिहास पढ़ रही थी क्योंकि मैं अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ती रहती हूँ, मुझे रुचि है, तो एक बड़ी अच्छी चीज मेरे सामने आई इतिहास पढ़ते हुए। लगभग सभी सोसाइटी में जब सामंतवाद का उदय हुआ, और जैसे जैसे सामंतवाद का उदय होता है, पहले हमारे पास एक सभ्य समाज है, उसके बाद फिर एक एक जो पशुपालन यानी कि जिसे हम वैदिक ईरा कहते हैं, पशुपालन समाज, पशुपालक समाज आता है, पशुपालक समाज में महिलाओं की स्थिति कमजोर होना शुरू होती है और सामंतवाद में स्थिति बहुत खराब हो जाती है। और ये स्थिति केवल भारत में नहीं है, ये स्थिति पूरे वर्ल्ड वाइड है रही उस समय। और अगर हम उन देशों की बात करें जहां हम आज कहते हैं कि महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है, फिर भी बहुत अच्छी है, हमसे बहुत अच्छी है, अगर हम उनकी भी बात करें तो वहां पे भी महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद। वर्ल्ड वार अगर नहीं होते तो महिलाओं की स्थिति काफी खराब होती। वर्ल्ड वार में जब पुरुष बाहर चले गए और जब महिलाएं केवल घर पर रह गई, पुरुष लड़ाइयों के लिए चले गए, तो महिलाओं के ऊपर दायित्व बना कि अब हम घर का घर से निकल करके अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए कुछ निकलें, बाहर कुछ काम करें ताकि हम इकोनॉमी कुछ अर्जित कर सके और अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। तो उपनिवेशवाद और वर्ल्ड वार ने हमें महिलाओं को बाहर निकलने का एक मौका भी दिया। और ये कहीं कहीं ये मतलब जो मूलतः बीज हैं इसके, महिलाओं और मतलब एक लड़के और लड़की के पालन पोषण में जो अंतर रखा जाता है, जो अंतर हमारे हमारे ग्रंथों में मिलता है, उसका कारण बेसिकली हमारे परंपराएं हैं, हमारे इतिहास ही है, इतिहास में सामंतवाद के उदय के साथ। और हमारे जो ग्रंथ हैं आज भी वैदिक ईरा के हैं, जहाँ पे पशुपालक समाज रहा, और जैसे जैसे पशुपालक समाज बढ़ता है वहां महिलाओं की स्थिति खराब होती जाती है। क्यों? क्योंकि महिलाओं के पास काम जैसे जैसे बल का प्रयोग ज्यादा होगा वैसे वैसे महिलाओं की स्थिति कमजोर होगी। सामंतवाद पूरी तरीके से एक ऐसा समाज था जहां पे बल का प्रयोग महत्वपूर्ण हो गया था, और क्योंकि बल का प्रयोग कौन करेगा, प्राकृतिक रूप से बल का प्रयोग पुरुष ज्यादा अच्छे से करता है, इसी वजह से महिलाओं की स्थिति कमजोर होती चली गई, जो आज भी है। आज भी हम जो महिला और पुरुष में डिफरेंस देखते हैं वो बेसिकली उसकी जड़ें सामंतवाद में ही हैं, तब ही से हमें से देखना पड़ेगा। हाँ, समय बदल रहा है, समय बदलने के साथ ये चीजें बदल रही हैं। हमें अपने बच्चों को ये चीजें समझानी पड़ेंगी कि अब आप इस सामंती मानसिकता से निकलिए, समय आधुनिक काल का है और इस समय हमें बल प्रयोग नहीं करना, दिमाग का प्रयोग करना है और महिलाएं उसमें ज्यादा अच्छी हैं, ये सारी रिसर्च कहती हैं। तो समय बदल रहा है, आगे आने वाले टाइम में और बदलेगा, और आप देख ले सकते हैं कि हाँ, वही जो सामंती व्यवस्था के कारण एक बड़ी गड़बड़ हो गई है, लेकिन जिसकी वजह से महिलाओं को मौका नहीं मिल रहा है, वो ये है कि हम उन्हें प्रोफेशनल कोर्सेज में आगे नहीं आने देते। अभी जो आशा जी ने एक बात कही थी कि हम उन्हें पढ़ाते तो हैं लेकिन शादी के लिए, एक बड़ी अच्छी अभी रिपोर्ट आई थी शायद कुछ साल भर पहले, मैंने हिंदू में ही पढ़ी थी, द हिंदू न्यूज पेपर आता है, उसकी रिपोर्ट काफी अच्छी होती है, काफी काम किया, तो उसमें मैंने पढ़ा था कि जो सेक्स रेशियो है प्रोफेशनल कॉलेज में,
स्कूलिंग तक तो लड़के लड़की का ठीक ही रहता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि लड़की आर्ट्स फैकल्टी या आर्ट्स या जो मतलब जो नॉर्मल कोर्सेज होते हैं, एकेडमिक कोर्सेज होते हैं, उनकी तरफ उन्हें भेज दिया जाता है, क्योंकि उनके पीछे मोटिव होता है कि ये पढ़ लिख जाएंगी तो फिर इनकी शादी करा दी जाएगी। बेसिकली डिग्री होना शादी के लिए अनिवार्य हो गया, इसलिए उन्हें एक डिग्री दे दी जाती है, प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ उन्हें भेजा ही नहीं जाता। तो ये एक बड़ा अंतर विरोध नजर आता है जिसका हमें निदान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समझा जाता है कि लड़की प्रोफेशनल काम कैसे करेगी, अगर वो जॉब करेगी तो फिर उसकी सिक्योरिटी की भी चिंता करनी है, और अगर कोई लड़की जॉब करती भी है प्रोफेशनली वो अपने लड़के के या अपनी फैमिली की सपोर्ट की वजह से, तो उसके साथ आगे समस्या ये आती है शादी के बाद मुख्यतः जो फैमिली का दबाव है, जो घर पे उसे काम करना होता है, उसका पूरा मानसिक दबाव उस महिला पर ही है। मतलब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक महिला और पुरुष बाहर दोनों काम करते हैं, दोनों वापस आते हैं, अपना हस्बैंड वाइफ कपल हम कह सकते हैं, लेकिन जब घर के काम की बात होगी या तो महिला ज्यादा करेगी, और अगर इक्वली दोनों काम भी कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लड़की पे रहेगी। जब तक आखिरी व्यक्ति खाना नहीं खा लेता तब तक वो सो नहीं सकती, भले ही वो खाना बना रही है नहीं बना रही है, लेकिन आखिरी व्यक्ति के खाना खाने तक उसे जागना ही होगा, वो कितनी ही थकी हुई हो कितनी ही थकी हुई नहीं हो, ये हमारी सोसाइटी की समस्याएं हैं। इन समस्याओं को हमें पहले तो हमें समस्याओं को चुनना होगा और उनकी वजहों को ढूंढना होगा, और फिर हमें उन वजहों पे काम करना होगा। केवल ऐसे ही जब तक हमें वजह ही सही से नहीं पता होंगी, स्पष्टता नहीं पता होंगी, तब तक हम उन पे काम भी नहीं कर सकते। तो हमें जानना होगा कि केवल महिलाओं के साथ हाथ बटाना ही उनका मतलब उनके लिए ठीक है, अच्छी बात है आप उनका हाथ बटा रहे हो, केवल वही पर्याप्त नहीं है, आपको मानसिक रूप से जिम्मेदारी भी लेनी होगी घरेलू काम में। आप तय कर लें कि बर्तन धुलना केवल मेरा ही काम है, तो उसके बाद वो पूरी तरह से फ्री हो जाती है, हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर उसने बर्तन धुल दिए पुरुष ने, तो ये एक वो हो गया, गिफ्ट हो गया कि चलो यार आज मैंने तुम्हारे लिए बर्तन धुल दिए, तुम्हारा एक काम कर दिया, लेकिन मानसिक दबाव ये महिला पर ही है। तो महिला हमेशा अगर वो बाहर काम भी कर रही है तो उसकी इफिशियंसी इस बात से इफेक्ट होती है, ये बड़ी कई रिपोर्ट्स ऐसा दावा कर चुकी हैं कि उसकी इफिशियंसी इस कारण से भी इफेक्ट होती है क्योंकि वो अपने घरेलू जो उसके काम है उससे पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाती, उसके ऊपर पूरा का पूरा दबाव 100% दबाव उसी के ऊपर है, मानसिक रूप से कम उसी के ऊपर है, जिसकी वजह से उसका जो प्रोफेशनल वर्क है उस पे प्रभाव पड़ता है, और कई बार उसे इसके लिए अच्छा और बुरा सुनना पड़ता है। कलीग्स भी महिलाओं के साथ अक्सर कैसे व्यवहार करते हैं, अगर वो गलतियां कर देती हैं तो उनका एक मजाक उड़ाया जाता है, अरे लड़की है, पता नहीं किसने इन्हें कह दिया था यहाँ पे आने के लिए, ये क्यों आ गई यहाँ पे, इस तरह का व्यवहार होता है। किसी आप कहीं पे भी चले जाओ, कोई महिला अगर काम कर रही है और उसकी एफिशिएंसी जरा भी कम है किसी पुरुष से, तो क्या होगा, अरे यार इन्हें किसने कह दिया, पुरुष की कम है तो आप भूल जाते हैं ये बात। आप ये बात ड्राइविंग में भी देख सकते हैं, कोई लड़की अच्छी ड्राइव कर रही है तो आप अप्रिशिएट करना भूल जाएंगे, जरा सी खराब हुई, अरे यार लड़कियां कैसे सीखने आ गई ड्राइविंग, इन्हें आना ही नहीं चाहिए था। तो हमारी मानसिकता इस तरह की हो चुकी है। तो उसके उसकी जो मूलतः जड़ है, मैं फिर कहूंगी वो सामंतवाद में है, लेकिन अब हमें उस मानसिकता से निकलना होगा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी जी, समय का भी हमें ध्यान रखना है। मैं इस डिबेट का पूरा सार संक्षेप में अमारा बेगम जी से चाहूंगा, क्योंकि आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं की समस्याएं, महिलाओं की स्थिति और उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा करें। आप लोगों ने बहुत ही सुंदर ढंग से चर्चा की और बहुत अच्छे अच्छे तर्क रखे, बहुत अप्रिसिएशन मिला है समाज की तरफ से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमारा जी, इसका आप जो है पूरी डिबेट का सार मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। जी जी, मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम महिला दिवस पे बैठ के महिलाओं के समस्याओं को संबोधित कर रहे हैं, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। तो अब किसी भी समाज में बदलाव के लिए सबसे जरूरी चीज है बोलना, औरतों को बोलना पड़ेगा। हमारे समाज के अंदर जो औरतें बोलती हैं उनको किसी तरह का रिबेलियस देखा जाता है, वो औरतें अच्छी नहीं होती हैं, वो ओबीडियंट नहीं होती हैं, फर्मा बरदार नहीं होती हैं। और जब तक आप बात नहीं कर पाएंगे, जब तक आप अपनी समस्याएं नहीं रख पाएंगे, तब तक इस बातों को समझा भी नहीं जाएगा। तो मैं ये बोलूंगी कि ठीक है हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम है, बट मैं बहुत होपफुल हूँ कि हम यहाँ तक आए हैं तो हम आगे तक भी जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि हम लड़कियों से हमारे परिवार को प्रेम नहीं होता है, हमारी माए हमारे पिता बहुत कुछ करते हैं हमारे लिए, जरूरत है उनको समझाने की,
जरूरत है उनसे कम्युनिकेशन करने की, सोसाइटी से कम्युनिकेशन करने की, खुद एम्पावर होने की, अपनी बहनों की मदद करने की और इस चर्चा को आगे बढ़ाने की। जितनी बात होगी, जितनी हम अवेयरनेस फैलाएंगे, उतना हम आगे सक्सेस पाएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी से। भी मैं चाहूंगा इस डिबेट के बारे में कुछ संक्षिप्त में कुछ सार कर दें आप। जी जी सर, इस परिचर्चा का सार यही है सार, के जो हमारी लड़कियां करना चाहती हैं उन्हें करने दिया जाए मनचाहा। अगर वो लगता है आपको कि थोड़ा गलत है समाज के तरीके से, तो आप उनको समझा सकते हैं, गाइडलाइन दे सकते हैं, गाइडेंस कर सकते हैं कि आप ऐसे नहीं बेटा, ऐसे करो, लेकिन करो। उनको अपने करियर में अपनी उन्हें छूट मिलनी चाहिए पूरा अपना करियर चुनने की अपने फ्यूचर के लिए, क्योंकि उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, आत्मनिर्भर बनना है, अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन दे पाएंगी वो, अपनी फैमिली को अच्छे से चला पाएंगी। बस इतना ही है। जैसा कि आमना जी ने कहा कि यहाँ तक पहुंचे हैं आगे भी जाएंगे, तो ये तो बिल्कुल 100% लाइन है कि यहाँ तक पहुंचे तो आगे भी जरूर ही जाएंगे, क्योंकि चलना ही नागरिक का स्वभाव है और होना भी चाहिए। और मैं सारी संस्थाओं को यही इस माध्यम आपके मंच के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि आप ये बहुत अच्छा जो प्रोग्राम कराते हैं, बीच बीच में बुलाते हैं, हमको सौभाग्य मिलता है बोलने का, कि बच्चों को पूरी स्वतंत्रता, पूरी फ्रीडम दी जाए, उनके अंदर ये वाले भेदभाव हटा दीजिए कि बेटा है कि बेटी है, दोनों को आप इक्वल अगर देखेंगे। बहुत सारी फैमिली है अच्छा कराती है, बट रूढ़ीवादी जो समाज है उसके बारे में भी कहना चाहेंगे, वो प्लीज अपने बच्चों को समझे, लड़कियों को समझे अच्छे से, जो वो आगे उन्हें कोई प्रॉब्लम, आगे वाली फ्यूचर में उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सभी से हाथ जोड़कर ये विनती है कि अपने समाज की स्वयं रक्षा करें, उनको गाइडलाइन दें, गाइड करें, जितना भी आप कर सकते हैं उन्हें आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करें। धन्यवाद। जी जी, एक सवाल छवि जी से भी है इस संक्षिप्तकरण के लिए डिबेट का। छवि जी, आप भी थोड़ा संक्षेप में पूरी डिबेट का सार देते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके एक सार में कम समय में। जी मुझे इस यहाँ इस डिबेट में, मेरे यहाँ नेटवर्क की थोड़ी समस्या थी तो कुछ चीजें मैं नहीं सुन पाई, बट मुझे एक चीज आमना जी ने जो जिस पे फोकस किया वो अच्छी लगी कि लड़कियों को फैसले लेने नहीं दिए जाते, हमें कोशिश करनी चाहिए, उनके फैसले गलत हो या सही हमें उनके फैसलों का सम्मान करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, वो अगर अपना कोई फैसला ले रही है तो ले, आज गलत लेंगी तो कल सही भी लेंगी। ये एक बहुत जरूरी बात है आज की डिबेट में, मुझे लगता है बहुत अच्छा एक कंक्लूजन है। अगर हम लड़कियों को वास्तव में चाहते हैं कि उनका वो आगे बढ़े, तो हमें उनके फैसले उन्हें उन पे छोड़ देने चाहिए, वो तभी आगे बढ़ सकती हैं। जब तक उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि वो फैसले ले सकती हैं अपने लिए, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकती। और आशा जी ने भी कई अच्छी बातें कही हैं, और उन्होंने कहा कि रूढ़िवादी लोगों को हमें पीछे छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल आज जरूरत है कि हम रूढ़िवादी लोगों को पीछे छोड़ दें, और जो लोग आगे बढ़ रहे हैं हमें उनकी बात करनी चाहिए, ताकि समाज आगे बढ़ने के बारे में सोचे, पीछे जाने के बारे में नहीं। बार बार हम रूढ़ी रूढ़ी चिल्लाते रहेंगे तो समाज पीछे की तरफ ही चलेगा। तो यही इम्पोर्टेंट बात है। बाकी महिलाओं, मैं इतना ही कहूंगी कि अपने अपने संस्कारों को, अपने बच्चों को, खासतौर से लड़कों को हमें ये संस्कार देने ही चाहिए कि लड़कियां आपकी जिम्मेदारी है, वो उन्हें आपको, वो आपके जैसी हैं, वो भी इंसान ही हैं, वो कोई सामान नहीं है। जो वस्तुकरण है लड़कियों का हो गया है, इससे, इस मानसिकता से उन्हें बाहर निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अब वो समाज बदल रहा है, जब लड़कियां वस्तु समझी जाती थी उससे बहुत आगे निकल चुका है। आज किसी भी जगह पे लड़कियां बहुत कमाल कर रही हैं, तो हमें अपने बच्चों को ये बात समझानी ही होगी। आज की डिबेट में मुझे लगता है यही महत्वपूर्ण बातें रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, आप लोगों ने समय निकाल करके हमें जो समय दिया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और AIBCA टीवी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत और सम्मान। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की इस शुभ अवसर पर मैं इस संसार की सभी महिलाओं को सम्मान, सादर सम्मान अर्पित करता हूं, और ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ ही साथ इस पर हमें सुझाव भी भेजिए ताकि हम इसमें और सुधार कर सकें, क्योंकि हमें एक प्लेटफॉर्म है, हम दबे कुचले वंचित समाज के महिलाओं के बच्चों के उनके उत्थान के लिए समय समय पर कार्यक्रम लाते हैं। कार्यक्रम ही नहीं लाते, समाज में काम भी करते हैं, उनको स्थापित भी करते हैं, प्रस्तावित भी करते हैं, और प्रचलित मान्यताओं के खिलाफ हमारी एक जंग है, अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ हमारी एक जंग है। इसमें मैं आप सभी का साथ चाहता हूँ, इसके लिए आपका जो है, मैं मेरा एक नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, उस स्क्रीन पर नंबर देख करके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें मैसेज भेज सकते हैं, अपनी कोई समस्या भी हमें बता सकते हैं। तो इसी के साथ आज कार्यक्रम समाप्त हो जाए। मैं आदरणीय दिसंबर प्रसाद निषाद जी जो राज्यसभा सांसद हैं वो लिख रहे हैं, तो मैं उनका सम्मान करता हूँ, उन्होंने
एक बात लिखी बहुत बढ़िया, आज इतने कानून बनने के बाद भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये बात सही है कि समाज की मानसिकता जो है इस तरह की बनी हुई है, क्योंकि वो नहीं सुधरना चाहता, इसलिए हम सबको मिलकर के जागरूकता जन जागरण ला करके ही जो है इसमें सुधार किया जा सकता है। इसी के साथ ये कार्यक्रम समाप्त होता है। सभी को नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों।